सीधे अब आपको लेकर चलते हैं रणवीर के पास। जरा जानते हैं रणवीर से कि इस वक्त मतदान वाले दिन नंदीग्राम, जो पूरे पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, वहां पर किस तरीके की सियासी गहमागहमी। रणवीर, देखिए मैं नंदीग्राम में ममता बनर्जी के घर पे मौजूद हूँ। ममता बनर्जी के घर की अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये बहुत रोचक है। सुबह सुबह यहाँ कोहरा छाया था, लेकिन अब तेज गर्मी है और इस गर्मी के बीच में जो चुनावी गर्मी है वो ममता बनर्जी के घर के बाहर दिखाई देती है, जब हमें बीजेपी के झंडे और साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के झंडे एक साथ दिखाते हैं। ये ममता बनर्जी का घर बिल्कुल सामने की तरफ है और आप घर के सामने ये जो सड़क है, जिस सड़क पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ तस्वीरें आपको ज़रा दिखाता हूँ। मेरे कैमरामैन प्रेम सिंह पीछे आपको दिखाएंगे, एक तरफ ममता बनर्जी के यहाँ पर झंडे और पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसमें ममता बनर्जी मुस्कुराती दिखाई दे रही हैं, तो ठीक उसके नीचे बीजेपी ने अपने पोस्टर लगाए जहाँ प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा हैं और शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु जो कि 81,000 वोटों से जीते थे पिछले चुनाव में, यानी 2016 में, वो तब टीएमसी के कैंडिडेट थे, लेकिन इस बार अपनी ही नेता के खिलाफ बीजेपी से उम्मीदवार हैं और दोनों ही नेताओं ने जिस तरीके से इस चुनौती को लिया है, शुभेंदु ने चुनौती दिया और ममता बनर्जी ने चुनौती ली, तो इसके बाद ममता बनर्जी 4 दिनों से इसी नंदीग्राम में मौजूद हैं और हम ममता बनर्जी के घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा देखिए। सुबह से ये 6 बजे से ही इस तरीके से मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है और इसके बीच में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ममता क्या अपने घर से निकलेंगी या नहीं, और इसके बीच में आप देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी है। ममता बनर्जी जिस घर में किराए पर रह रही हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री और स्थानीय पुलिस हैं, पुलिस के जवान भी लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत संवेदनशील है और ये माना जा रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में 1600 सुरक्षा ममता बनर्जी के घर के बाहर से। रणवीर को आप उनकी रिपोर्ट देख रहे थे। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आप को रखे आगे। एबीपी न्यूज़।